हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे बरबर के व्यू और सब्सक्राइबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप फटाफट अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं और सब्सक्राइबर और व्यू कैसे ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी यूट्यूब में जो फीचर चल रहा है सबसे ज़्यादा, वो चल रहा है स्टोरी टैप का। आपको बता दें कि स्टोरी टैप की वजह से आप अपने चैनल पर बहुत सारे व्यू और सब्सक्राइबर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिंपल सा, ये जो स्टोरी टैब आपको मिला हुआ है इस पर आप एक कोई भी सिंपल से स्टोरी डाल दिए और आपके सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक आजमाना पड़ता है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और सब्सक्राइबर ला सकें। तो क्या कुछ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये स्टोरी टैब उनके चैनल पर उपलब्ध होगा जिनके चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर 10,000 से प्लस होंगे। अगर 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है तो आपको स्टोरी टैब मिल गया होगा। अगर स्टोरी टैब नहीं मिला होगा तो आप को ये भी बता देता हूँ कि आपको स्टोरी टैब कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपको स्टोरी टैब नहीं मिला हुआ तो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हेल्प का, हेल्प एंड फीडबैक का। यहाँ पे आप यूट्यूब को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको सेंड फीडबैक का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप अपना मैसेज लिख के भेज दीजिए कि मेरे जो YouTube चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और मुझे अभी तक स्टोरी टैब नहीं मिला है। तो इस तरह से आपको स्टोरी टैब मिल जाएगा। अब जब आपको स्टोरी टैब मिल जाता है तब क्या करना है। स्टोरी टैब मिल जाने के बाद आपके जो मेनू है वो मैं दिखा देता हूँ। आप अपने चैनल का नाम यहाँ पे जैसे ओपन कर लेंगे, जैसे मैंने आपको अपना चैनल ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे अगर आपको स्टोरी नहीं मिला होगा तो ये स्टोरी वाला जो फीचर है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। जब आप जैसे ही आपको स्टोरी मिल जाएगा यहाँ पे एक स्टोरी वाला फीचर भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी जाके क्लिक करके आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टोरी, या फिर आप जब अपना यूट्यूब चैनल खोलिएगा तो आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वहीं पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे होंगे, यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइव आ सकते हो, और ये देखिए आपको स्टोरी टॉप का भी ऑप्शन मिला है, तो यहाँ से आप स्टोरी डाल सकते हैं। और ये आपको पता है ये कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए होता है। तो अब आपको सिंपल सा आप स्टोरी आपको करना है यहाँ पे पोस्ट, स्टोरी पोस्ट करने के लिए आप स्टोरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने वीडियो को यहाँ से ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी पिक्चर आ जाएगी। अगर आप चाहते वीडियो बनाना तो आपको इसको प्रेस करके रखे रहना है और जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हो एक्टिविटी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली सा पोस्ट भी नहीं करना है। इसके लिए भी तरीका, वो भी मैं आपको, या तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ से पहले से अगर आपकी कोई वीडियो या फोटो होगी तो वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है सिंपल सा, और सिंपल सा क्लिक करने के बाद आपके पहले की भी जो भी कोई फोटो या वीडियो होगी उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो इसमें यहाँ पे क्लिक, देखिए यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है अच्छे अच्छे, ये पोस्ट वाले ऑप्शन है, इसको बाद में करना है, उससे पहले कुछ क्रिएटिविटी यहाँ दिखानी है। जैसे आप यहाँ पे चाहे तो अपने जो इमेज या वीडियो है उसकी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसको चेंज करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे कलर है कोई भी यूज करके लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से आप लिख सकते हैं अलग अलग कलर में। इसको करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे अपने कोई वीडियो का लिंक देना चाहते हैं स्टोरी में, तो आप उस पर क्लिक करके आप अपनी कोई वीडियो जो है, जैसे ये रिसेंट प्ले वीडियो है, आप यहाँ पे अपनी वीडियो जो है अपलोड वाले सेक्शन पे आना है, और आपकी जो भी कोई भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी ये वीडियो आ गई, इसको आप ड्रैग करके जहाँ मर्जी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने स्टोरी में अगर व्यूअर को कहते हैं कि मैंने कोई वीडियो बनाया उसको लाइक या सब्सक्राइब करें, तो वो यहाँ पे आके वीडियो पे क्लिक करके स्टोरी देख लेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोकेशन मेंशन कर सकते हैं कि आप वीडियो कहाँ से पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर अपने चैनल का या किसी और भी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनका भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं अपने चैनल का ही डाल देता हूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि जो व्यूअर होंगे उस पर क्लिक करके, जो भी चैनल को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो उस पर क्लिक करके सीधे चैनल पर पहुंच जाएंगे।
उसके अलावा और भी फीचर यहाँ पे जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अलावा यहाँ पे इमोजी आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, कोई भी इमोजी आप यहाँ से डाल सकते हैं ताकि व्यूअर को अट्रैक्ट करें। इस तरह से इसको आप ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। तो इसके बाद आपको बढ़िया से क्रिएटिविटी करना है, ये तो मैं आपको फास्टली फास्टली करके बता रहा हूँ, तो हो सकता है अच्छा ना बने, उसके बाद आपको पोस्ट करना है। इस तरह से अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपके चैनल पे ज़्यादा व्यू आएंगे, और जैसे कि आपका वीडियो भी प्रमोट हो रहा है, इस वीडियो पे भी व्यू आएंगे, अगर वीडियो पे व्यू आएंगे तो सब्सक्राइबर भी बनेंगे, और यहाँ भी पे भी ये जो पोस्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, जब ये स्टोरी प्ले होती है तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी, अगर आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर नहीं कर रखा है तो उसका। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, टीजे स्मार्ट टिप्स के नाम से, चलिए काफ़ी क्यूट बच्चे, मैं इनका चैनल सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो ये तरीका होता है आप अपने चैनल को ग्रो करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर जरूर कीजिएगा।